नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार और NUJI दिल्ली ने बिहार के मधुबनी में 24 वर्षीय पत्रकार अविनाश झा के अपहरण के बाद जलाकर की गई हत्या को लेकर भारी रोष जताया है। संगठनों का कहना है कि बिहार में पत्रकारों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। राज्य के पत्रकार इससे असुरक्षित व भयभीत हैं। 4 महीना पहले भी सिवान में एक पत्रकार को जलाकर मार डाला था। पिछले 8 साल में बिहार में 10 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। शराब व बालू माफियों के हमले में अब तक 2 दर्जन से अधिक पत्रकार घायल हुए हैं। अधिकांश हमले के आरोपी को सत्ता प्रतिष्ठान का संरक्षण प्राप्त रहा है, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। बिहार में पत्रकारों पर हमलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जिलावार प्रदर्शन किए जाएंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देकर दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की जाएगी। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार NUJ बिहार के अध्यक्ष राकेश परवीर और महासचिव कृष्णकांत ओझा तथा NUJI दिल्ली के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र व महासचिव सुरेश शर्मा ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि बिहार में जिस तरह से फर्जी अस्पतालों और नर्सिंग होम की असलियत उजागर करने पर एक पत्रकार को बेरहमी से मार डाला गया, उससे राज्य की नीतीश सरकार के प्रशासन की सच्चाई सामने आ गई है। संगठनों का कहना है कि एक तरफ देश में 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाने को लेकर तैयारियां हो रही है और दूसरी तरफ पत्रकारों की हत्या, गिरफ्तारी और तमाम पाबंदियों के खिलाफ पत्रकार जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार के अध्यक्ष राकेश प्रवीर व महासचिव कृष्णकांत ओझा ने कहा है कि बिहार में पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले से दहशत का माहौल बना है। उन्होंने बिहार सरकार से पत्रकार अविनाश झा के परिजनों को 25 लाख रुपए तत्काल मुआवजा देने व दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। श्री परवीर ने कहा है कि पत्रकारों पर हमलों के खिलाफ बिहार के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। पटना में राज्यपाल महोदय से मिलकर ज्ञापन देकर दोषियों को सख्त सजा दिलाने, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी। इस तरह के तमाम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।